चलिए अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से कौन सी खबरें आ रही हैं जो राजनीतिक हलचलों को बयां करती हैं। एक नया बयान आया है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेरिया बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का। उन्होंने बोला है अब यानी कि राम नरेंद्र मोदी ने और उनके हनुमान योगी आदित्यनाथ ने जाकर लंका में रावण की लंका ढहाने की कोशिश की है। उन्होंने सीधा सीधा कटाक्ष किया है ममता बनर्जी के ऊपर। ममता बनर्जी को उन्होंने बताया है कि वो लंका की रावण हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि इस दौरान उन्होंने विभीषण को खोज लिया है और अब जब ममता का सर्वनाश करेंगे तो विभीषण का राज तिलक कर देंगे। नरेंद्र मोदी जोगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जोगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता दीजी ऐसे राक्षस स्वभाव का व्यक्ति कभी भी सज्जनता की भाषा नहीं समझता, तो हनुमान के रूप में जोगी जी वहां प्रवेश कर चुके हैं और मुष्टिका मारी एक कपिहनी आया है ना रामचरितमानस में, तो अभी जय जय सभा हुई है। वो मुष्टिका मान लीजिए राजनीति का मुष्टिका है वो, तो जय सभा हुई है तय जो है सीट निकल गया, तो तय मुष्टिका मारने पर काम हो गया, तो आधा जो है लंका में भी प्रजातंत्र का लंका मान लीजिए केरल और बंगाल इसमें लंका हो गया था, तो वहां भी विभीषण खोजा जा चुका है, विभीषण मिल चुका है, भाजपा में विभीषण वहां के मिल चुके हैं सब। विभीषण का राज्याभिषेक होगा और प्रजातंत्र की जो रावणी है, रावण नहीं लंकिनी मैं कहूंगा, प्रजातंत्र की लंकिनी ममता बनर्जी, उसका भी जोगी रूपी हनुमान और मोदी जी रूपी राम उसका जो है नाश करेंगे और विभीषण कोई पैदा होगा उसका चंदन राजाभिषेक किया जाएगा, राम राजा स्थापित।